मैं हरियाणा के सैकड़ों टीचर जो यहाँ आए हुए हैं उनकी तरफ से एआई फैक्टों को बधाई देता हूँ कि ये मोदी सल्तनत के खिलाफ एक आवाज लगातार रूप से उठा रहे हैं। साथियों, हम जानते हैं ये सरकार जब आई थी तो ये इनका नारा था कि अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन किन के लिए? अच्छे दिन मजदूरों के लिए, अच्छे दिन किसानों के लिए और अच्छे दिन उन मेहनतकश तमाम आवाम के लिए जिन्होंने जो है भुगता है उस उदारीकरण की प्रक्रिया को। लेकिन साथियों, जिस अच्छे दिनों के लालच में हमने ये सल्तनत का बादशाह नियुक्त किया, वो सल्तनत का बादशाह आज मन की बात सुनाता है लेकिन जनता के मन की बात सुनता नहीं है। ये पहली बार हुआ इतिहास के अंदर कि किसी देश का राजा, किसी देश का सल्तनत का बादशाह केवल मन की बात सुनाता है हजारों मेहनत का आवाम को, लेकिन मेहनत का आवाम की करार को सुनने के लिए तैयार नहीं है। साथियों, जो उदारीकरण की प्रोसेस कांग्रेस राज के अंदर 1991 के अंदर शुरू हुई थी, वाजपेयी के राज में इसको आगे बढ़ाया और सबसे पहले मेहनत करने वाले कर्मचारी साथियों के ऊपर कुठाराघात किया। वो क्या था? वो था सारी जिंदगी मेहनत करने के बाद में वो एक आशा रखते थे कि उनका बुढ़ापा सुरक्षित है। उन्होंने पेंशन के ऊपर तलवार चलाई, नई पेंशन स्कीम लेकर के आए और उस स्कीम को बाजार के हवाले किया। साथियों, उन्होंने उस समय एक ऐसी मिनिस्ट्री शुरू की जिसका काम इस देश के कारखानों को बेचना था और अब देश का पूरा पब्लिक सेक्टर बेचने के बाद अब ये जो बादशाह है ये उससे भी आगे गया है। ये नई चीज पैदा करने की बजाय इतिहास में, दुनिया के इतिहास में अगर आप निगाह डालो, रेलवे स्टेशन बनाए जाते हुए आपको दिखाई देंगे। ये पहली बार हुआ है कि सैकड़ों सालों, 150 सालों के अंदर रेल का इतिहास है इस देश का, रेलवे स्टेशन बेचे जा रहे हैं और अब वहां से भी इनका पेट नहीं भरा तो शिक्षा को बेचने की प्रोसेस काफी तेज गति से ये शुरू करने की योजना बना रहे हैं। अभी आपने ये देखा होगा कंप्लेंट लिखा हुआ है एआई फैक्टर की तरफ से, इसमें हिप्पा और हीरा यानी कि इनके माध्यम से पहली बार खुले तौर पर हेरा फेरी आप इनको नाम दे सकते हैं। खुले तौर पर शिक्षा के ऊपर हमला करने की योजना बनाई जा रही है। ये मुद्दा केवल हमारे पे कमीशन के साथ जुड़ता हुआ नहीं है, जो थोड़ी बहुत चीजें बाहर आ रही है वो क्या बता रही है? वो बता रही है बड़े पैमाने पर जो सरकार पोषित हमारे शिक्षण संस्थान है उनके ऊपर चोट करने की ये इनकी योजना है। और साथियों, अगर हम आज बोले नहीं, इकट्ठे नहीं हुए तो आप ये मान लेना कि खास करके जो मेहनत का आवाम थे, जो हम लोग निकल करके शिक्षक बने हैं, ये प्रक्रिया बंद होगी। तो मैं हरियाणा के टीचर्स की तरफ से एआई फैक्टो को ये पूरा आश्वासन देता हूँ कि हर लड़ाई के अंदर हरियाणा के एच फैक्टो और उसके अंदर जितनी भी संस्थाएं हैं जिसमें HCTA है, HCTA है, मधुटा है, कूटा है जी, और गुरु जंगेश्वर टीचर एसोसिएशन है। और साथियों, अब आगे जो भी एआई फैक्टर निर्णय लेगी हरियाणा के साथी उसके अंदर बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे और ये लड़ाई ये हमारे चाहे पे कमीशन की हो या शिक्षा को बचाने की हो, इसके अंदर हरियाणा के टीचर पीछे नहीं रहेगा। जय जनता, जय शिक्षा, जय संघर्ष।